हेलो, वेलकम बैक। मैंने कहा मैं जल्दी से बोल लूँ, फिर सब बच्चे कहेंगे कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। कैन यू गाइस हियर मी? यस मैम। लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल दैट एवरीबॉडी जॉइंस हिम। लेट मी रिपीट दिस स्लाइड टिल द परसुएड तक। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज़ अ पर्पस, गोल और ऑब्जेक्टिव एंड ऑडियंस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सेंडर एंड द रिसीवर एंड व्हाट पर्पस दे आर हैविंग फॉर हैविंग दैट कन्वर्सेशन और अ कम्युनिकेशन। मैम, आपकी आवाज ठीक नहीं है, आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। आ रही है लेकिन मैम कट रही है। मैम बहुत स्लो आवाज अब आ रही। मैं चीख रही हूँ, तो मैं इससे ज्यादा चीख भी नहीं सकती। हमारे पास अब तो ठीक सही आ है, रहा है। हाँ जो है आपके पास। मैम आपने कहा था कि मैं आपको याद दिला दूं कि आप जजमेंट के बारे में बताएंगी हमें। अच्छा अक्सा, ठीक है, गुड, ओके, मैं बताती हूँ। अब आ रही है आवाज? जी मैम, अब आ रही है। एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा ऊंचा बोलना शुरू करती हूँ, मतलब चीख चीख के बोलना शुरू करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो आवाज़ है वो मतलब बोलना बहुत तेज़ हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो फिर वो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट इक्विपमेंट, तो ये भी कम्युनिकेशन का एक, हम जब बैरियर पढ़ेंगे तो हमारे पास इक्विपमेंट्स हों जिनको हम, अगर हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे तो हम अच्छे तरह से कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो इसलिए आई हैव टू स्पीक इन अ वेरी, किस वे खुदा बख्श बताएगा कि मेरी स्पीकिंग का क्या वे है। वेयर इज खुदा बख्श? खुदा बख्श कहाँ हैं आप? मैम उसने अभी तक ज्वाइन नहीं की। ओके, तो लेट्स रिपीट दिस, क्योंकि हम थोड़े से डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में, तो इसको कर रहे थे। टू मोटिवेट, टू वर्क हार्डर और स्मार्टर। ठीक है, हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो अपने एक पर्पस हमारा ये भी होता है मोटिवेट करने का अगले बंदे को। टू इन्फॉर्म, एक तो इन्फॉर्मेशन जैसे हम देते होते हैं, मतलब वेन एवर वी आर स्पीकिंग वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, सही? एंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स अस मेकिंग इन अ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो हमारे पास आ रहे होते हैं, उनको हम एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, या कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हम शेयर कर रहे हैं।
या फिर कुछ ऐसे रिजल्ट्स और फैक्ट्स हमें चाहिए होते हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग में मदद कर सके. देन वी हैव अ कम्युनिकेशन पर्पस और अ सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ अ मैसेज टू टीच. ठीक है, टीचिंग के लिए भी होता है. टू परसुएड, परसुएशन पे हम लोग थे अभी. और सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ परसुएशन क्या थी हमारे आसपास, जल्दी बताएं. क्या मौसिन, दोबारा बोलिएगा. सॉरी, मैं ये नहीं कह रही. क्या मैम आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आ रही है, मैं नहीं सुन पाई थी, सॉरी. Yes, yes, good, very good. और टीवी पे जो एडवर्टाइज आते हैं, न्यूज़. Yes. एडवर्टाइज. Good, good. How about us? और कोई हमें बताएगा पर्सुएशन की कॉमन एग्जांपल्स? अब हम अक्सा की बात पे चले जाते हैं. जब अक्सा ने बोला कि जजमेंट के ऊपर, तो बहुत दफ़ा हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं अगले बंदे के बारे में. तो व्हेन वी आर अज्यूमिंग थिंग्स अबाउट अनदर पर्सन, तो व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं जब हम अज्यूम कर रहे हैं कुछ बातें, बताइए. हम जज कर रहे हैं ना, जजमेंट करते हैं. वेरी गुड अस्मा. तो ये बात हम बात कर रहे थे, वो बात ये आ रही थी कि जब हम सेंडर्स नॉलेज के ऊपर बात करते हैं, तो हम रिसीवर्स नॉलेज और उसकी परसेप्शन और बैकग्राउंड्स के ऊपर भी जहन में ये बात रखते हैं. अगर हम इसी तरह से किसी को जज कर लें अपनी अजम्पशंस के हिसाब से, तो क्या ये अच्छी बात होगी? मैम, जज करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आइडियाज के हिसाब से जज करना ये बुरी बात है. मैं जज इस वाले से करना चाहिए, इस वे में करना चाहिए जिस वे में वो एक्चुअलिटी है, ना कि हम अपनी राय देकर जो है उसको. आई एम आस्किंग, इज जजमेंट इज अ गुड थिंग? जजिंग पीपल इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? यस मैम, गुड थिंग, इट्स गुड थिंग, श्योर. मतलब कुछ टाइम हर वक्त के लिए जजमेंट सही नहीं है. हाँ, हो सकता है अगर कोई न्यू हो उसे हम जज करें, उसका पता लगाने के लिए, तो इट्स फाइन, अदरवाइज नॉट. अच्छा, और अगर कोई न्यू भी है तो हम उसको क्यों जज करें? क्योंकि मैम हमें परखना होता है ना कि अगला बंदा है कैसा. और अगर उसके परखने में आप एक अच्छे बंदे या बंदी को खो दे. एंड मैम, इट्स साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट हर वक्त इंसान जजमेंट में ही होता है. रियली? कैसे सिद्रा, बताओ. I can't hear you clearly. कैसे, बताइए कि हम हर वक्त जजमेंट में होते हैं. That what you said, Sidra, right? बच्चे से ज्यादा मैं चीख नहीं सकती. I am speaking very louder at the time. So you were saying that we are judging people all the time. So please, ab usko wo bhi to kare aake.
जजमेंट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? अगर उसके बारे में पता हो आपको तो आप जज कर सकते हैं, और आपको पता नहीं है आप विदाउट इंफॉर्मेशन उसको जज करेंगे तो ये गलत है। मुसलमानों के बारे में आजकल बाहर दुनिया में सबसे बड़ी क्या जजमेंट चल रही है? कि वो दहशतगर्द है। तो क्या हर मुसलमान दहशतगर्द है? नो सर, नो मैम। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सॉरी। नहीं नहीं इट्स ओके ज़ोहेर, कोई बात नहीं। सॉरी। बोले सिर्फ कुछ मुसलमानों की वजह से ये वहाँ पे एक कंसेप्ट बना हुआ है कि मुसलमान दहशतगर्द है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि हर जो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो बाहर मुल्क के लोग हैं वो मुसलमानों को इस जजमेंट से देख रहे हैं, ये अजम्पशन उन्होंने बनाई हुई है कि जो मुसलमान है वो दहशतगर्द है। तो इज इट अ गुड थिंग? नो मैम। कोई और कुछ बता? बहुत बड़ी एग्जांपल मूवी माय नेम इज खान। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जी अस्मा आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। मैम पान मतलब फाइव फिंगर नॉट इक्वल, क्योंकि ये हर किसी के कॉन्सेप्ट में भी बने कि बलोच है, बलोच सारे मतलब लड़ाकू होते हैं ये होते हैं, लेकिन सब तो नहीं होते ना, एक बलोच की गलती में सबको मतलब वहां पर घसीटते हैं। जी बिल्कुल। तो जजमेंट इज नॉट अ गुड थिंग, और अगर हम हर वक्त किसी को जज कर रहे हैं तो ये हमारे अंदर भी खराबी है कि भाई हम अपनी लाइफ से इतने सेटिस्फाई नहीं हैं, या हमारी अपनी साइकोलॉजिकली नीड्स इतनी अच्छी नहीं है फुलफिल हुई भी कि हमें हर बंदे के ऊपर एक शक हो रहा है। हम जज क्यों करते हैं? कि हम यही सोचते हैं कि वो बंदा या तो हमें हर्ट करने वाला है किसी भी तरीके से, ठीक है, या हम उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते। तो बात वही आ जाती है कि जब हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते तो हमें यही डर लगता है कि वो हमें किसी ना किसी तरीके से हर्ट करेगा। जब मुसलमानों की बात आती है उनको दहशतगर्द समझा जाता है, उनको फ्रीडम फाइटर नहीं समझा जाता। वो अपने जैसे फलस्तीन वाले हैं वो बेचारे दहशतगर्द तो नहीं है, कश्मीर वाले दहशतगर्द तो नहीं है, वो अपना मुल्क चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि हर एक का उनका जो दूसरे मुल्क वाले लोग हैं जो मुसलमानों को नहीं समझते, जो उनको अच्छा नहीं समझते, या जो भी उनकी राय है हम मुसलमानों के बारे में, तो वो तो यही सोच रहे हैं ना कि ये हमें हर्ट करना चाहते हैं, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। तो दिस इज द रॉन्ग अजम्पशन विच गिव्स राइज टू अ जजमेंट, ठीक। सो जजिंग पीपल इज बेसिकली नॉट अ गुड थिंग। अगर आप किसी को एक मिनट, अजान हो रही है, अजान ही थी।
तो जब भी हम किसी से बात करें तो अपनी अजम्पशंस और जजमेंट्स को हटा के बात करें, ताकि हमारा रिसीवर जो है वो हमारा मैसेज क्लियरली समझ सके, ठीक है? तो जब भी कोई एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम से बात करेगा तो उसको चाहिए कि वो अपने जहन में अजम्पशन ना लगा के बैठे कि भाई सारे मुस्लिम्स जो हैं वो टेररिस्ट होते हैं, ठीक? तो अगर वो ऐसी अजम्पशंस के साथ बात करेगा तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसके दिल में या तो खौफ होगा या फिर उसके दिल में नफरत होगी, ठीक? मैम जी बोलें। मैम नमाज का टाइम हो गया, इस टाइम कैसे लेक्चर लिया जाए? आपकी क्लास चल रही है इस वक्त? हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम एंटरटेन करने के लिए भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर कोई दोस्त आपस में बात करेंगे तो उनकी बातचीत ज़्यादातर एंटरटेनमेंट वैल्यू की ही होगी, वो इतनी ज़्यादा सैड या बहुत ज़्यादा फॉर्मल गुफ्तगू नहीं होगी। आप कभी भी अपने दोस्त से मिलते हैं तो आप उसके साथ जो बातचीत करते हैं वो ज़्यादातर किस वैल्यू की होती है? इनफॉर्मल होती है ना, कोई ख़ास उसमें वो तो नहीं होता, फॉर्मेलिटी तो नहीं होती ज़्यादा। ठीक, ओके। और फिर इंस्पायर करने के लिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं। सेंडर जब अपना मैसेज भेजता है रिसीवर को तो उसको इंस्पायर भी करता है। इंस्पायर कैसे करेगा? जो मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते अक्सर, मैंने ये किया और उस वजह से मैंने इतने पैसे कमा लिए, या मैंने इस तरह का काम किया और इस तरह से मैंने रूटीन अपनाई तो मैं ज़्यादा अच्छा हो गया, मैं ज़्यादा अच्छी सोच रखने लग गया, मैं ज़्यादा अच्छा अपने हेल्थ को अच्छा कर पाया। तो ये इंस्पायरेशन के लिए भी होती है। अक्सर आप यूट्यूब पे जाते हैं और वहाँ पे आपको वीडियोस मिलती हैं, ठीक है? वो इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वीडियोस मौजूद होती हैं। कि सबसे कॉमन वीडियो जो आपको वहाँ मिलेगी वो यही मिलेगी कि आप किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कुछ वीडियोस होती हैं कि हाउ टू लूज वेट और हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ टू वर्क हार्ड, ठीक है? तो वो अपनी स्टोरीज आपको बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस तरह से था पहले और अब मैं इस तरह हो गया और मैंने ये किया। तो वो आपसे जो बात कर रहे हैं, जो आपको मैसेज दे रहे हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं? इंस्पायर कर रहे हैं। तो आई विल गिव यू अ 10-minute ब्रेक फॉर अ नमाज, देन कम आफ्टर इट, ठीक है जी? जैसे ही नमाज पढ़ के आप जो हैं वो आ जाइए दोबारा, एंड वी शैल लेट दिस गो, या इसको स्टॉप करें, क्या करें?